नमस्ते दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए उत्कंठेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन के लिए और उनके बारे में आपको जानकारी देने के। ये मंदिर गुजरात के खेड़ा जिला के कपड़वन तालुका में स्थित है। आपको हमारे पीछे ये मंदिर दिख ही रहा होगा, तो चलिए इसके बारे में अब जानकारी देते हैं। यह है उत्कंठेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर के अंदर का शिवालय अंदाजित 2000 साल पुराना है। मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो मंदिर पहली नजर में ही भव्य, विशाल और आकर्षक लगता है। शिवालय की ऊंचाई 80 से 85 फुट है। सांप्रत समय में देखने को मिलता यह शिवालय किसने और कब बनाया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह की दीवालों पर कई सारे देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। यह शिवालय वात्रक नदी के तट पर बनाया हुआ है। शिवलिंग के इतिहास की बात की जाए तो इस शिवलिंग के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। जैसे कि पहले के समय में यहाँ जाम्बाली नाम के ऋषि का आश्रम था, जहाँ ऋषि ने धर्म परिषद का आयोजन किया था। धर्म परिषद के दौरान बुलाए गए तमाम मेहमानों को सिर्फ धान्य पकाकर खाने का आग्रह किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जाम्बाली ऋषि के उत्कंठा से यह महादेव प्रकट हुए थे, इसी वजह से इस मंदिर को उत्कंठेश्वर महादेव कहा गया है। दूसरी कहानी के अनुसार जाम्बाली ऋषि ने महंतों को भोजन का आमंत्रण दिया था। महंतों ने भोजन लेने से पहले कहा कि वो महादेव के दर्शन करने के बाद ही भोजन लेते हैं। फिर जाम्बाली ऋषि ने तप करके खुद की उत्कंठा से महादेव को आह्वान करके शिवलिंग का निर्माण किया। फिर जाम्बाली ऋषि और महंतों ने मिलके वात्रक नदी के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसके बाद महंतों ने भोजन ग्रहण किया। एक और भी कहानी है जो हमें यहाँ के पुजारी सुनाएंगे। अपना प्रभाव हमने उत्कंठा थी उत्पन्न था, हमने नाम उत्कंठेश्वर महादेव करी। उत्कंठेश्वर महादेव एक स्वयंभू बनायेलू नहीं, 2080 वर्ष पुरानु मंदिर है। एमा समझो दूध पानी जे भी चढ़ाइए ये अंदर समय जाइए, आजूबाजू में क्या नदी में क्या निकलत नहीं। गायकवाड़ सरकार तपास करी थी, आजूबाजू में पैरों मुकी और तपास करी थी कि क्या निकले, क्या ही निकलत। रात्र स्वप्न आए, स्वप्न अंदर एमने भगवान एवं कहूँ कि काशी में मणिकड़ी खाणो गायक है, अँ धारा चालू राखो त्या तपास करो। तो अँ दूध की धारा हजारों मन दूध चालू राखो त्या तपास कर बढ़ूज दूध ने पानी बढ़ू त्या काशी में मणिकड़ी खाना काटे निकलत। वर्षो थी टूक में स्वयंभू है, आजूबाजू क्या पानी निकलत नहीं। ये वक्त थी समझो कि इमने खबर पड़ी कि गायकवाड़ सरकार वक्त चालू।
ये है महादेव की पित्तल की प्रतिमा जो यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिर के बाहर आपको दो तुलसी क्यारे दिखने को मिलते हैं, उनके पीछे आपको प्राचीन मूर्तियां दिखने को मिलेगी। अब हम नदी के तट पर जाएंगे। नदी के तट पर जाने के लिए आपको 125 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। यह है वात्रक नदी का तट। यहाँ आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हो। और यह है छोटा सा मंदिर जिसका नाम है देवडुंगरी, और यहाँ बालकों की मुंडन विधि भी होती है। अब हम आपको एक और मंदिर दिखाएंगे जिसका नाम है कामेश्वर महादेव। यहाँ से आपको वात्रक नदी का तट बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, और सामने उत्कंठेश्वर महादेव जी का मंदिर भी दिखेगा। अब हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं। आपको यहाँ धर्मशालाएं और एक गौशाला भी दिखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ और भी देवी देवताओं के मंदिर दिखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।